एप्लीकेशन ऑफ आर्कमिडीज प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहली चीज ये समझनी है कि आप ये आपने कर लिया है कैसे। वो कहते हैं पहली एप्लीकेशन है कंडीशन फॉर अ फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी डूबेगी या तैरेगी आर्कमिडीज एक मिनट में बता देगा। कैसे बताएगा? मान लो ये एक केस है जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। टोटल वॉल्यूम कितना है? वी। बॉडी का बॉडी की डेंसिटी कितनी है? रो वी। लिक्विड की कितनी है? रो एल। ध्यान आगे, ठीक है। तो इसके अंदर इसका कुछ पोर्शन हवा में है वी डैश और कुछ लिक्विड में वी माइनस वी डैश। क्योंकि ये बॉडी तैर रही है तो मैं क्या लगाऊंगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो कि क्या है? वी माइनस वी डैश। क्योंकि वेट लिक्विड का है तो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, इन टू जी। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, टोटल डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इन टू जी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। जी से जी कैंसिल, ओपन कर लो इसे। ओपन करके वी वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, और यहां से वी डैश निकाल लिया। सॉल्व करके वी डैश निकाल लिया। अब केस नंबर वन, डेंसिटी की फॉर्म में आंसर देने वाले हैं। अब देखो कैसे। अगर मान लो लिक्विड की, पानी की डेंसिटी ज्यादा है बॉडी की डेंसिटी से, तो वी डैश क्या आएगा? पॉजिटिव। वी डैश पॉजिटिव का मतलब आपको कुछ पोर्शन हवा में दिखेगा, यानी कि बॉडी पक्का तैरेगी, उसका कुछ पोर्शन हवा में रहेगा और कुछ पानी में रहेगा। तो आपने सुना होगा वो सुई क्यों डूब जाती है और वो पूरा शिप क्यों तैरता है छोटी क्लास में। वो इसलिए सुई डूबती है क्योंकि सुई की जो डेंसिटी है ना, बॉडी की डेंसिटी, वो बड़ी होती है पानी की डेंसिटी से। तो वी डैश क्या आ जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डूबने वाली बात है, पॉजिटिव का मतलब तैरना, नेगेटिव का मतलब डूबना। तो अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है बॉडी की डेंसिटी से, पक्का तैरेगी। प्लास्टिक की बॉल बड़े आराम से तैरती हैं, क्यों? डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। लोहा डूब जाता है, क्यों? क्योंकि बॉडी की डेंसिटी बड़ी है। तो ये नेगेटिव आ जाता है। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉडी तैरेगी, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है बॉडी की ज़्यादा है तो डूबेगी, और अगर दोनों बराबर हैं वी डैश जीरो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो डूबेगी, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा उसका कुछ पोर्शन आपको हवा में दिखेगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगी, ना डूबेगी और ना हवा में आएगी, जहाँ है वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, ना ऊपर ना नीचे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि डेंसिटीज़ की फॉर्म में आंसर कैसे दे रहे हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि कब वेट लगाना है, कब लॉस इन वेट लगाना है, वेट के अंदर वॉल्यूम कैसे देखने हैं, आज हमने वो भी किया, और लास्ट में डेंसिटी के साथ भी यूज़ किया कि डेंसिटी से अपने आंसर को कैसे देना है, ठीक है। और इसकी सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये वही ज्वेलरी वाला एग्जांपल है, वॉल्यूम निकालने का वही है, इसको फॉर्मल किया हुआ है कि आप पहले हवा में वेट ले लें ज्वेलरी का, फिर आप पानी के अंदर वेट ले लें। अब एग्जांपल करके दिखाया था कि वो बंदा वी कैसे कैलकुलेट करेगा, तो लॉस इन वेट ले लेगा। लॉस इन वेट क्या होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी पानी में है तो पानी का वॉल्यूम कितना है? वी। और पानी की डेंसिटी कितनी है? रो एल इन टू जी। तो लॉस इन वेट इसके इक्वल कर देगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेगा। फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, मैंने न्यूमेरिकल करके दिखाना था, मैंने एक मिनट में करके दिखा दिया कि वी कैसे निकलेगा। हाँ, पर बुक्स ऐसी थ्योरी बनाती हैं, वो मैंने आपको बता दिया।